हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिटनेस जर्नी बाय अंजलि एंड आई एम योर फिटनेस कोच। आज हम करने जा रहे हैं एवरीडे मॉर्निंग वर्कआउट। आप हर रोज 15 मिनट निकाल के मेरे साथ इस वर्कआउट को कर सकते हैं। सो स्टार्टेड विथ द वार्म अप फर्स्ट। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। वार्म अप करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, जिसके वजह से आप जो भी एक्सरसाइज करते हो उसका रिजल्ट अच्छे से मिलता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होती है, एक्स्ट्रा कैलोरी होती है, वो जल्दी बर्न होने लगता है। तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है जॉगिंग। आपके पास जो दो ऑप्शन है, या तो घर के बाहर जाके आप जॉगिंग कर सकते हो, या फिर घर के अंदर भी एक जगह पे खड़े होकर जॉगिंग कर सकते हो। तो जॉगिंग का जो टाइमिंग है, 2 मिनट तक हम जॉगिंग करेंगे। आप मेरे साथ इस जॉगिंग को लास्ट तक एंजॉय करिए। जॉगिंग करने के बाद हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको किसी भी इक्विपमेंट का ज़रूरत नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस योगा मैट। हमारा जो सबसे पहला एक्सरसाइज है जंपिंग जैक, इसको करने के लिए इक्वल पैरों में गैप करके जंप करना है, फिर दोनों हाथों को ऊपर टच करना है। इसके दौरान आपको ब्रीदिंग डिथ आउट ब्रीद इन करते रहना है। इस एक्सरसाइज को 30 सेकेंड तक करेंगे। दूसरा एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबर, इसमें दोनों हाथों का इक्वल गैप होगा और पैरों को जितना हो सके आपको टमी के पास लाना है, और इसे स्पीड में जितना स्पीड में करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। इस दौरान आपका ब्रीथिंग नॉर्मल रहेगा, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट का, इसे भी आपको 30 सेकेंड तक करना है। हमारा तीसरा एक्सरसाइज है स्क्वाट, इसमें दोनों पैरों में इक्वल गैप करते हुए अप एंड डाउन जाना है। जब अप जाते हैं तो ब्रीथ को इन करना है, जब डाउन जाते हैं तो ब्रीथ को आउट करना है, और ब्रीदिंग प्रक्रिया नॉर्मल रहेगी इसमें। इस एक्सरसाइज को भी आपको 30 सेकेंड तक करना है। हमारा चौथा एक्सरसाइज है बाइसिकल क्रंचेस, इसके लिए पीठ के बल आपको लेट जाना है, राइट पैर को लेफ्ट हैंड से टच करना है, लेफ्ट पैर को राइट हैंड से टच करना है। इस दौरान आपका ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगा और इसे भी आपको 30 सेकेंड तक करना है। पांचवा एक्सरसाइज है एब्डोमिनल क्रंचेस, इसके लिए पीठ के बल लेट करके मेरे पैरों का पोजीशन आप देख सकते हो कि किस तरीके से रखी हुई मैं, और हाथों को ऊपर ले जाते हुए कंधों को ऊपर करेंगे। एंड इस दौरान जब अप होते हो आप, तो आप ब्रीथ इन करोगे, अब जब लेटते हो मैट पे तो ब्रीथ को आउट करना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको 30 सेकेंड तक करना है।
हमारे एक्सरसाइज का पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से सेम आपको 3 राउंड करने हैं। 20 सेकंड का रेस्ट लीजिए, दूसरा राउंड करिए एंड फिर आपको 20 सेकंड का रेस्ट लेना है एंड तीसरा राउंड कंप्लीट करना है। तीसरे राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद आपको पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो स्ट्रेचिंग योर बॉडी एंड सम मेडिटेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।